देखो वुड्स रिएक्शन में हमारी क्या बात हो रही थी, वुड्स रिएक्शन में जो ऑर्डर था किसका, हैलाइड का ऑर्डर था। क्या होता है ऑर्डर, सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसकी होती है, आरआई की, उससे कम किसकी होती है, आरबीआर की, उससे कम किसकी होती है, आरसीएल की, और सबसे कम किसकी होती है, आरएफ की एक्टिविटी होती है। ठीक है, ये होती है एक्टिविटी ऑर्डर होती है। कहने का मतलब है अगर कहीं पर आयोडीन कार्बन से लगा है और बीआर लगा है तो आयोडीन पहले निकलता है, बीआर बाद में निकलता है। ठीक है, समझना बात ध्यान से। अब देखो जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जरा पहला केस है, केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट क्या है, अगर एक एल्काइल ग्रुप से दो अलग अलग क्या लगे हैं, अगर एक एल्काइल ग्रुप से दो अलग अलग हेलोजन लगे हुए हैं और तुमसे बोल दिया कि ऐसे बोला सोडियम के साथ क्या है, ड्राई ईथर है, ऐसे तुमसे कुछ क्वेश्चन दे दिया उसने इस तरीके से। ठीक है, तुमसे पूछेगा प्रोडक्ट क्या होगा। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि जो वुड्स रिएक्शन होती है किसको फॉलो करती है, ये फॉलो करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। किसको फॉलो करती है भैया, ये फॉलो करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ठीक है, बहुत ही सिंसियरली तरीके सुनना। देखो होता क्या है, जब तुम्हें एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग हेलोजन दिए होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग इसके दो मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब इसके लिट करते हैं कि दो मॉलिक्यूल दिए हैं। कैसे, देखो पहला मॉलिक्यूल है, हम मान के चलते हैं कि हमें कितने मॉलिक्यूल दिए हैं, दो दिए, हम इसको दो लिट कर लेते हैं। तो करते क्या है, पहले वाले से क्या होता है, यहां से ब्रोमीन निकलता है और ब्रोमीन निकल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्रोमीन निकल करके रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या निकल जाता है यहां से, ब्रोमीन रेडिकल निकल जाता है। क्या निकल जाता है, बीआर रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अदर फर्दर दूसरी वाले में क्या करते हैं, दूसरा वाला क्या होता है, यहां से दूसरा वाला भी ब्रोमीन निकलता है, दूसरा वाला भी जब ब्रोमीन निकलेगा क्या होगा, यहां पर भी क्या बनेगा, सोडियम के थ्रू निकलता है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर अटैक करवाता है और बीआर रेडिकल निकलता है, यहाँ भी रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। दोनों रेडिकल हैं, दोनों क्या कर जाते हैं, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किस तरीके से फॉर्मेशन कर लेते हैं, देखो जरा, एक हमारा ये है सीएल, ये रेडिकल प्लस ये है, ये रेडिकल है, दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है इस तरीके का। ठीक है, ये फॉर्म हो जाता है। ठीक, कब होता है ऐसा, जब एक साइकिल में दो अलग अलग क्या लगे हैं, हेलोजन लगे हों। अगला केस बताऊंगा जिस क्या होगा उस केस में सेम हेलोजन लगे होंगे तब हम क्या करेंगे। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट करो पहले। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन क्या था, ये इन्होंने ऐसे बोल दिया था, पेंटा साइक्लो है, यहाँ पे सीएल लगा है और यहाँ पर आई लगा है। ठीक है, उन्होंने बोला इसकी रिएक्शन करनी है सोडियम के साथ ब्राइट ईथर की प्रेजेंस में, तो पूछा था प्रोडक्ट क्या बनेगा। यार उम्मीद करता हूं आप प्रोडक्ट बना लोगे मेरे बिना बनाए हुए, एक बार कोशिश कर लो एक मिनट। तो सिंपल सी बात, आपको पता चला जाए कि एक एल्काइल हैलाइड है, सोडियम है, ड्राई ईथर, इसका मतलब क्या होगा, वुड्स रिएक्शन बनेगा। अब दोनों हेलोजन अलग अलग है, इसका मतलब क्या होगा, एक बार यहां से रेडिकल निकालो, दूसरे वाले भी यहां से निकालो, दोनों साइकिल को जोड़ दो आपस में, और कुछ नहीं करना यार, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो क्या बनेगा, मेरे हिसाब से आपका प्रोडक्ट बन गया होगा, उम्मीद करता हूं, एक सीएल यहां लगा दो, दूसरा प्रोडक्ट सीएल लगा दिया, देख लो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए करा दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। दोनों अलग अलग, अब आई को क्यों निकाला है, क्योंकि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, आयोडीन की होती है इसलिए। ठीक है, अब हम केस नंबर टू में आते हैं जो कि अगला इंपॉर्टेंट केस है। केस नंबर टू क्या कह रहा है देखो जरा, नेक्स्ट देखो, केस नंबर टू क्या है वुड्स रिएक्शन में। केस नंबर टू है, अगर आपको सिंपल कोई साइक्लोएल्केन पकड़ा दिया उसने
और उसमें दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन से सेम सेम लगे हुए हैं, इस तरीके से देखो। अब सेम हेलोजन लगे हैं तब क्या होगा, इस केस में हम क्या करेंगे, दूसरी रिंग नहीं रेड करेंगे। आपको बोल दिया सोडियम के साथ ट्राइथर की प्रेजेंस में रिएक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे, यहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, देखो सिंपल सी बात है, वुड रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होती है। तो यहां से क्या होगा, एक रेडिकल यहां से निकलेगा, टू एक NaCl यहां से निकलेगा, दोनों NaCl यहां Cl निकल जाएंगे और दोनों क्या बना लेंगे यहां पर, एक यहां रेडिकल बनाएगा, एक यहां रेडिकल बनाएगा, और दोनों रेडिकल बना क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे रेडिकल और रेडिकल आपस में मिलकर के। तो क्या बन जाता है इस केस में, बाईसाइक्लो बनता है इस केस में, क्या बन जाता है, बाईसाइक्लो का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा लेके समझा देता हूं इसमें, देखो जरा, अगर मैं एग्जाम्पल लू, एक मान लो बी आर ले लिया, यहां भी हमने बी आर ले लिया और हमने कह दिया इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम के साथ ड्राई इथर की प्रेजेंस में। तो बेटा क्या करोगे, आप लेट करोगे कि दो सोडियम दिए हैं, एक ब्रोमीन यहां से हटाओगे, दूसरा वाला यहां से हटाओगे और दोनों को क्या करोगे, एक लाइन से जोड़ दो बॉन्ड से, क्या बना देना, बाईसाइक्लो बना देना, बस और कुछ नहीं करना इसके अलावा, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, सिंपल सा क्या बन जाएगा, एक बाईसाइक्लो का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां से, ठीक है ना। ज्यादा कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, आएगा तो सिंपल ही रिएक्शन आएगा, इससे ऊपर नहीं पूछता, दोनों आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए इसीलिए। हेडिंग पढ़ेंगे अगली, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन खत्म, अब हम बात करेंगे फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, सिंपल जैसे आपका सुनो, वुड्स रिएक्शन में दोनों हैलाइड हमारे एल्काइल होते थे, मतलब कैसे होते थे, एलिफेटिक होते थे, एरोमेटिक नहीं होते थे, यहां पर दोनों हैलाइड कैसे होंगे, एरोमेटिक हैलाइड होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड होते हैं एक्स, इसकी रिएक्शन टू सोडियम प्लस एक्स, एक्स हैलोजन है, ठीक है, और इसके रिएक्शन हम एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करते हैं ड्राई इथर, ड्राई इथर की प्रेजेंस में क्या होता है, यहां से 2NX निकल जाता है और क्या बन जाता है, बाई फेनिल का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बाई फेनिल का फॉर्मेशन हो जाता है, देखो, ठीक है। ये क्या है, दोनों एरोमेटिक हैलाइड हैं और जब आप दोनों एरोमेटिक हैलाइड लेते हो तो कौन सी रिएक्शन कहलाते हो, फिटिंग रिएक्शन कहलाती है। अभी रुक जाना बेटा, अगला क्या होता है बेटा, वुड्स फिटिंग होता है, क्या होता है, वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक हमारा एरिफेटिक हैलाइड होता है, एक एरोमेटिक होता है, कहने का मतलब है एक आपका हैलोबेंजीन कहलाएगा, एक आपका हैलोबेंजीन होगा और दूसरा आपका क्या होगा, कोई भी एल्काइल एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है ना, एक बेंजीन से लगा हुआ होगा, दूसरा एल्काइल हैलाइड होगा, ड्राई इथर के साथ करोगे प्रेजेंस में इसकी, तो क्या बनेगा भैया, यहां से निकलेगा 2NaX निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपल टॉलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां से, ठीक है, सिंपल एल्कीन बन जाएगी, सॉरी सिंपल एक कंपाउंड बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, टॉलिन बोलेंगे। देखो ट्रिक समझ लो, फिटिंग रिएक्शन में दोनों हमारे कैसे होते हैं, एलिफेटिक होते हैं, वुड्स फिटिंग में एक एलिफेटिक होता है, सॉरी एक एरोमेटिक, मैं क्या बोल गया, फिटिंग रिएक्शन दोनों एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, वुड्स फिटिंग में एक एरोमेटिक होता है, एक एलिफेटिक होता है, और वुड्स रिएक्शन में दोनों एलिफेटिक होते हैं, ठीक है, वहां एरोमेटिक एक भी नहीं होता है, ओके, नोट करो। अगले है उलमैन रिएक्शन, उल्लू नहीं है, उलमैन, ठीक है, उलमैन रिएक्शन, यहां पर ये स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, मतलब ये फिक्स होती है, यही एक होगी, इसका दूसरा नहीं होता, क्या होती है, इसमें हम क्या लेते हैं, आयोडोबेंजीन ही लेते हैं, फिक्स है बिल्कुल, यहां पर हम दो मॉलिक्यूल किसके लेते हैं, आयोडोबेंजीन के लेते हैं और कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बेटा, ठीक है, यहां पर हम आयोडोबेंजीन लेते हैं, बिल्कुल फिक्स है और रिएजेंट, और या जिस समय सोडियम लेते थे यहां पे क्या लेते हैं, कॉपर लेते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक सील ट्यूब में हीट कराते हैं, एक सील ट्यूब लेते हैं, उसमें इनको डालते हैं,
और हीट कर देते हैं तो क्या निकलता है यहां से भैया, यहां से 2CuI निकल जाता है और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है आपका बाइफेनाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, देखो सब में क्या होता था, सोडियम के साथ ड्राइथर लेते थे, यहां पर क्या है, एक तो आयोडोबेंजीन फिक्स है हमारी, दूसरा ये कॉपर फिक्स होता है और सील ट्यूब में डाल देते हैं, तो तीनों को हीट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक और रिएक्शन होती है लास्ट वन, उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्रैंक लैंड रिएक्शन। ये तो सिंपल सिंपल रिएक्शन है, डायरेक्ट डायरेक्ट वाली है, इन्हें बस एक बार देख लो, अपने आप दिमाग में आएंगी। फ्रैंक लैंड में क्या होता है, देखो यहां पर क्या होता है, एल्किल हैलाइड दो मॉलिक्यूल लेते हैं, जिंक के साथ कराते हैं, यहां भी एल्किल हैलाइड लेते हैं और सेम, हाँ अच्छी ध्यान रखना, यहां पर जो एल्काइल हैलाइड होंगे दोनों सेम होंगे, डिसिमिलर नहीं होते, मतलब एक RCl एक RBr वाला पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, दोनों सेम होंगे, वो केवल कहां पॉसिबल होता है, वो पॉसिबल होता है वुड्स रिएक्शन में, जहां हम दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। अब क्या करेंगे इसको, इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकल जाएगा, यहां से ZnX2 निकल जाएगा और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या निकल जाएगा, ZnX2। इसका एग्जांपल देता हूं आपको, देखो CH3Cl प्लस ZnCH3Cl। ठीक है, अब क्या करो आप, इसको क्या करो, यहां से क्या निकल जाएगा, ZnCl2 निकल जाएगा और क्या बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या निकल गया यहां से, ZnCl2 निकल गया। ठीक है ना, जल्दी से आप इसको नोट करो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखते हैं हम लोग, हेडिंग डालो कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। सबसे पहली बात ये कैसे होती है उसकी बात करेंगे, फिर हम आपको एक शानदार तरीके से ट्रिक बता के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके भी करा दूंगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराऊंगा इसके भी मैं आपको। ठीक है, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इसमें लेते क्या है, इसमें हम एक्वस, सुनना मेरी बात, एक्वस, एक्वस मतलब वाटर रहेगा, एक्वस पोटेशियम और एक्वस पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका क्या कराते हैं हम लोग, इसका कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्या एक्वस पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका क्या कराते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने में क्या क्या होता है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। चलो मान लिया हमने क्या किया, दो मॉलिक्यूल सोडियम सॉल्ट ले लिया, RC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम एल्केन, सोडियम क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट है हमारा। ठीक है, अब एक काम करें, इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, क्या निकलेगा, 2RC डबल बॉन्ड OO- और यहां से क्या निकल जाएगा, Na+। ठीक है, क्या निकलेगा, यहां से सोडियम ब्रेक हो जाएगा, 2RC डबल बॉन्ड O- और क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। अब देखो एनोड पर क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, आपको बस अभी याद रखना है एनोड और कैथोड, और पेपर के टाइम याद रखना है कि एनोड पर क्या बनता है, कैथोड पे क्या बनता है, बाकी मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, मैकेनिज्म मैं आपको समझा रहा हूं होती कैसे है, बाकी कोई यूज नहीं है, यूज सिर्फ इतना है, कभी साइड में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पर क्या बनता है और कैथोड पे क्या बनता है, ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो एनोड पे क्या होता है, सबसे पहले एनोड पर जो तुम्हारा ये RC डबल बॉन्ड O- बना है, कार्बोक्सिलेट आयन बना है, 2RC डबल बॉन्ड O-, ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल करके रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, ये क्या करेगा, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा
और रिप्लेस करके क्या बना देगा, टू आर सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल, ठीक है, अपने आप को क्या बना, रेडिकल में कन्वर्ट कर लेगा और यहां से क्या निकाल देगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो अब क्या होगा फर्दर, अब यहां से क्या होगा, दो मॉलिक्यूल तुमने 2R C डबल बॉन्ड O माइनस लिए हैं, यहां से क्या होगा, ये अपने आप रिलीज करके क्या निकाल देगा, CO2 निकाल देगा, थोड़ा सा हीट करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो, हीट कराना पड़ेगा, यहां CO2 निकल जाएगा और क्या निकलेगा साथ में, 2R रेडिकल। 2R रेडिकल का मतलब है एक R रेडिकल और दूसरा R रेडिकल, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आर आर, क्या फॉर्मेशन हो गया, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया यहां से, ठीक है। ये तो एनोड की बात हो गई, मतलब एनोड में कौन निकलता है, एक सीओ टू गैस निकलती है और जो एल्केन का फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है, वो एनोड पर होता है। अब बेटा कैथोड पे क्या होगा, देखो जरा कैथोड पे क्या होगा, सुनो मेरी बात, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, देखो अब तुमने कैसा लिया है, एक्वस लिया है, तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखो यहां पर ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने का मतलब क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, आप सबको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो क्या होगा, एनोड पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन किसमें फॉर्म हो रहा है, एल्केन में, कैथोड में क्या होगा, आपने क्या लिया है, एक्वस लिया है, पानी लिया है, तो पानी लिया है तो पानी का क्या करा दो, रिडक्शन करा दो, और जब माय डियर पानी का रिडक्शन कराते हो तो जो क्या बनता है, कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, आपको पहले ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको ये रिएक्शन समझा चुका हूं, क्या होता है, H2 गैस यहां से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, जो दो इलेक्ट्रॉन निकला था वो क्या करेगा, वाटर रिडक्शन में क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। टाक से नोट करो, फिर इसके एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। देखो से एग्जांपल हमने लिया, आपको कराना है रिएक्शन CH3COONa, सोडियम एसीटेट, इसका क्या कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसका दो मॉलिक्यूल ले लो, क्या करो, मुंह बंद करके क्या बना दो, दो CH3 लगा दो आपस में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या निकाल दो, CO2 निकाल दो, 2CO2 क्या निकाल दो, 2CO2 निकाल दो, ठीक है। देखो समझना मेरी बात ध्यान से, अगर मान लिया एग्जांपल हमने ले लिया CH2 सिंगल बॉन्ड COONa, सिंगल बॉन्ड CH2 COONa, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जुड़ा हुआ है तो क्या करो, ज्यादा दिमाग मत लगाना अपना, क्योंकि दिमाग तो है नहीं हमारे पास, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे सुनना, जिन कार्बन से COONa जुड़ा होगा उनको हटा दोगे, ब्रेक कर दोगे, और उनमें क्या लगा दोगे, एक एक रेडिकल, और एक एक बॉन्ड पहले से ही एक एक रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड और बना देंगे, बस और कुछ नहीं करना, प्लस 2CO2, देखते चलो, ठीक है ना, कंफ्यूजन मत पालना अपने दिमाग में। देखो जरा अगला देखो, CH सिंगल बॉन्ड COONa, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COONa, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, मैंने क्या बोला, क्या करो, जिन दो कार्बन से COONa है उसको ब्रेक कर दो, दोनों के ऊपर एक रेडिकल लगा दो, पहले से एक दो बॉन्ड है एक बॉन्ड और लगा दो, क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा, क्या निकाल दो, CO2 गैस निकाल दो, ठीक है। अभी रुकना, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, अभी बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल करा रहा हूं आपको, देखो जरा यहां पे, COONa, जरा आप इसको नोट कर लो, फिर ऊपर लिखूंगा मैं, ऐसा नीचे लिख कर, आप जरा इसको नोट करो, तीनों ये दोनों तीनों नोट करो पहले, COONa, COONa,
ठीक है, इसका क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। क्या करो, ज्यादा कंफ्यूजन मत पालो, जिस कार्बन सी डब्ल्यू एन ए लगा है उसको हटाओ, उस पर रेडिकल लगाओ, जिस कार्बन सी डब्ल्यू लगा उसको हटाओ, रेडिकल लगाओ और दोनों कार्बन को जोड़ दो, बस इतना करना है। बार बार बात समझा रहा हूं, सिर्फ इतना करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, जिस कार्बन से सी डब्ल्यू लगा है उसको हटाओ, रेडिकल लगाओ दोनों से, और फिर दोनों कार्बन को क्या करो, जोड़ दो। अब कैसे, देखो मैं यहां समझा दे रहा हूं, देखो समझो, ये रेडिकल, फिर ये रेडिकल, देखो ठीक है, दो रेडिकल है। अब क्या करो, इनको, इन दोनों को इस तरीके से जोड़ दो, क्या बन गया प्रोडक्ट फाइनली, ये बॉन्ड बन गया, नोट कर लो, या इसको ऐसे बना सकते हो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, इस तरीके से ऐसे कर सकते हो, वही चीज है, देखो ये अलग बना, इस तरीके से तो बन रहा है, ये देखो ऐसे, तो ये कॉर्नर आ रहा है ना, देखो ये कॉर्नर ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, आपको इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, क्या करोगे भाई, क्या करोगे, जिन दोनों कार्बन से सी डब्ल्यू है उनको हटा दो, दोनों पे क्या लगा दो, एक रेडिकल लगा दो, और दोनों रेडिकल को क्या करो, आपस में जोड़ दो। इससे बेहतरीन ट्रिक हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, बिल्कुल सिंपल ट्रिक समझा दी आपको, देखो बन गया। बस एक ही चीज याद रखना, जिन दो कार्बन पर सी डबल लगा उनको हटा दो, रेडिकल लगा दो, रेडिकल दोनों को मिला दो एक बॉन्ड से, बस और कुछ नहीं करना, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं, कुछ भी मत करना इसके अलावा। सर रुको, सर रुको रुको, इसमें क्या बनेगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, देखो बस वही ट्रिक, हटाओ यहां से, इस कार्बन से हटाओ, ठीक है, दोनों कार्बन पे क्या लगा दो, रेडिकल लगा दो, एक रेडिकल ये लगा दिया, ठीक है, और एक रेडिकल ये वाला, इसको ऐसे लिख लिया, ये लगा दिया। अब दोनों रेडिकल को क्या करो, मिला दो, दोनों रेडिकल क्या करो, मिला दो, तो फर्दर क्या बन जाएगा भैया, अगर हम इसको बॉन्ड से शो करें इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिनॉन थ्री, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाता है, फिनॉन थ्री कहलाता है, सॉरी एंथ्रासीन होता है, एंथ्रासीन, फिनॉन थ्री बोल रहा हूं, एंथ्रासीन होता है। अब हम बात करेंगे कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन की, तो कोरे हाउस सिंथेसिस क्या होती है, तो ध्यान समझना, पूरी रिएक्शन बताता हूं कैसे होती है, तो इसमें हेडिंग डाल लेना कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। देखो होते क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं आरएक्स, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं टू एटम लिथियम के साथ ड्राई एथर की प्रेजेंस में, ठीक है, सबसे पहले देखो थ्री स्टेप की रिएक्शन होती है, इसमें जो हमारा आर एक्स होता है एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन किससे करते हैं, टू मॉलिक्यूल लिथियम से करते हैं, ठीक है, इसमें क्या कराते हैं हम लोग, तो क्या बनता है यहां पर, यहां फॉर्म होता है दो एल आई है, तो एक एल आई निकाल लेगा एल आई आर एल आई, और एक बन जाएगा एल आई एक्स, ठीक है, मतलब यहां बन जाता है एल्काइल लिथियम और लिथियम हैलाइड बन जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्काइल लिथियम। अब जो आपका एल्काइल लिथियम बना, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो टू आर एल आई, और इसकी रिएक्शन बेटा करा दो किससे, सी यू आई से, ठीक है, और क्या बन जाएगा, जब इससे कराओगे तो फॉर्म होगा, देखो सुनना क्या फॉर्म होगा, यहां पर टू आर एल आई है तो फॉर्म होगा आर टू सी यू एल आई, क्या बोलेंगे, आर टू
Cu Li। अब दो Li है तो एक बचा, वो क्या निकाल देगा, Li आयन, लिथियम आयोडाइड। इस पर्टिकुलर रिएजेंट को बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं, गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। अब क्या होगा, ये जो हमारा डाई एल्काइल क्यूप्रस लिथियम बना हुआ है, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट ही बोलते हैं, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, R2CuLi की रिएक्शन। अब हम किसी दूसरे एल्काइल ग्रुप से कराएंगे, ध्यान रखना R डैश X से। यहां पर X सेम हो सकता है लेकिन R डैश सेम नहीं होगा, ये R और ये R डैश में डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या होगा, तो क्या बनेगा, देखो दो R है, एक R और एक R डैश मिलके क्या बना लेंगे, R डैश बना लेंगे, मतलब यहां पर क्या बन गया, एल्केन बन गया। दूसरा क्या बनाएगा, R और Cu निकल जाएगा और तीसरा LiX निकल जाएगा। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त क्या है, ये जो तुम्हारा आर डैश है ये कभी भी 3 डिग्री एल्केन नहीं होगा, ध्यान रखना। ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, मेथाइल हो सकता है, लेकिन आर डैश कभी 3 डिग्री नहीं होगा। ये वाला आर जो है ये 1 डिग्री भी हो जाएगा, 2 डिग्री भी हो जाएगा और 3 डिग्री भी पॉसिबल है। लेकिन अगर तुमने आर डैश 3 डिग्री ले लिया तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल, याद रखना, रिएक्शन नॉट पॉसिबल। इस शर्त के साथ काम होगा कि अगर तुमने यहां पर आर डैश और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती और एल्केन का फॉर्मेशन वहां पर नहीं होता है। ये होती है आपकी कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। पहले स्टेप में आप कोई एल्काइल हैलाइड लेते हो, उसकी रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल लिथियम से कराते हो तो बनता है आर एल आई एल्काइल लिथियम प्लस एल आई एक्स। इसी एल्काइल लिथियम पर 2 मॉलिक्यूल लेके CuI से रिएक्शन कराते हो तो बनता है R2CuLi, गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है, प्लस LiI। इसी R2CuLi की रिएक्शन हम किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। जल्दी से एग्जांपल देता हूं आपको, जल्दी से एग्जांपल देता हूं, सुनना मेरी बात। देखो हमने मान लिया यहां पर ले लिया क्या बेटा, एग्जाम्पल है हमारा, हमने ले लिया CH3I, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी 2 LI से, ईथर ले लिया डाइथर, तो समझ जाओ क्या बनेगा, CH3Li बन जाएगा प्लस LiI निकल जाएगा, ठीक। अब आपने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 CH3Li, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए और CuI से रिएक्शन करा दिया, क्या बन गया, CH3 का होल ट्वाइस, ये R है ना, क्या बनेगा, CH3 का होल ट्वाइस CuLi बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, LiI बन जाएगा। अब आप क्या करो, इसी की रिएक्शन CH3 का होल ट्वाइस CuLi की रिएक्शन आप किससे कर दो, C2H5 CH3 CH2I से कर दो, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 प्लस प्लस CH3 Cu निकल जाएगा, CH3 Cu निकल जाएगा, प्लस क्या निकलेगा, LiI निकल जाएगा, LiI। तो ये होती है पूरी कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। आपको मैं ट्रिक बता दूं, ज्यादा दिमाग मत लगाना, इसका आर और इसका आर जोड़ देना, एल्केन बन जाता है बस, मतलब ये वाला आर और ये वाला आर डैश जोड़ दो, एल्केन बन गया। मेजर प्रोडक्ट तो यहीं से आ जाता है, मेजर प्रोडक्ट यहीं से आ जाता है, ठीक है ना। तो नोट कर लो, ये हुई कोरे हाउस। इसके आगे और एप्लीकेशन इससे कल कराऊंगा, अभी ये खत्म नहीं हुई है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशन और कराऊंगा। थैंक यू।